यार ये बच्चा इतनी देर से रहा, आपको पता है इसके किसी के साथ आया हो? नहीं, बहुत देर से रो रहा है, हमें नहीं पता। ए, रो रहा है वो, हंसा, हट। अरे बच्चे उठाने वाली, तू रो रहा है वो, वो रो रहा है। एक घंटे से तो मैं ले घूम रहा हूँ, मैं दुनिया से पूछ चुका हूँ। एक लेडी ने बताया फिर कि इधर गई हुई है, मैं तो तब उधर आया हूँ मैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फंकी जोकर में। मैं हूँ यान जोकर वही, और अंदाज नया दोस्तों। एक बच्चा रो रहा है, बच्चा दिखा यार, मैंने कैमरा इसलिए स्टार्ट करवाया, इस बच्चे के पास कोई है नहीं यहाँ पर, और पता नहीं कोई कहाँ है, तो मैं कैमरा इसलिए स्टार्ट करवा रहा हूँ कि ताकि पता लग जाए, पता नहीं कौन हो क्या हो, कहीं कोई इल्ज़ाम ना लगा रहो। पूछ ले तो मैं, आ जा, रो रहा है। क्यों रो रहे हो बेटा, क्या हुआ? यहाँ तो कोई है नहीं यार। मम्मी खो गई, किसके साथ आए थे? किसके साथ आए थे? मम्मी के। क्या करें नवीन यार, यहाँ तो कोई दूर दूर तक दिख नहीं रहा यार। इधर गई है, आप पूछ लें लोगों से, हैं? लोगों से पूछ लेते हैं, क्या पता कोई बता। उधर हैं? तो यहाँ तुम, यहाँ मम, तुम यहाँ और कौन आया साथ में? हैं? चुप हो जाओ, नहीं रो, नहीं चुप हो जाओ, मम्मी पास जाना है। अरे नवीन, आज लोगों से पूछते हैं यार, कोई बता देगा तो ठीक है। चल रो मत, चल आ जा। किससे पूछे यार, यहाँ तो कोई दूर लड़के लड़कियाँ दिख रहे हैं, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा यार। मम्मी पता नहीं कहाँ गई हैं। उधर यार, उधर तो कोई है नहीं। एक्सक्यूज मी यार, ये बच्चा इतनी देर से, आपको पता है इसके किसी के साथ आया हो? बहुत देर से रो रहा है, हमें नहीं पता। कोई इनके साथ कोई लेडी थी कोई? नहीं, हमने नहीं देखा, ये तो कब से रो रहा है वहाँ पर खड़ा होके। नहीं देखा आपने? अब कहाँ ले जाऊँ भाई, उधर चला और किसी से पूछते हैं। आ जा, चल उधर, चल आ जा, चल उधर, चल। मम्मी को पता नहीं है किधर है? एक्सक्यूज मी, आप लोगों को पता है ये बच्चा देखा आपने इस पार्क में? इसके ये अकेला रो रहा है वहाँ पे साइड में, इसकी कोई मम्मी वगैरह कोई हो साथ में? शायद थाने की तरफ गई है, और ये थाने किसी को, एक बच्चे को ढूंढ रही थी। ढूंढ रही थी? हाँ, ढूंढ रही थी। ये बच्चा खो गया, वहाँ रो रहा है, इतनी देर से मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई मिल ही नहीं रहा है। पूछ रही थी हमें, पता नहीं था। अच्छा पूछा था आपसे? पूछा था, तो मैंने कहा कि उधर गए हैं, तो चल फिर चला जा, आ जाओ उधर गई। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, आ जाओ, चलो 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 आ जाओ, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, आ जाओ। उधर उधर गई होंगी मम्मी, चलो चलो चलो। कहाँ है मम्मी? हैं बेटा? अरे एक और उधर भटकती हुई दिख रही है, इतना कहाँ लेके जाती हो? अरे हाँ छोड़ो, आपका है? मेरा बेटा है, मैं इसको झूले पे छोड़ के गई थी। आपका ही है? अरे हाँ छोड़ो, हाँ छोड़ो। नहीं भैया मेरा है, बता ना पंकु। बच्चा आपका ही और किसी का है? नहीं भैया मेरा बच्चा। अरे खाबा किसके बाप, बता दे, मेरे बेटे बाप। ए, रो रहा है वो, हट, हंसा, हट। अरे बच्चे उठाने वाली, तू रो रहा है वो, मेरा वो रो रहा है, चीज लेने के लिए गई थी झूले पे छोड़ वो रो, तो वो रो कैसा रहा? ये तो रो रहा तुम्हारे पास। अरे एक मिनट रुको, तो हटो तो, दो मिनट, एक मिनट, ढूंढ रही हूँ बेटा। मम्मी है, मम्मी है मेरा बच्चा। अरे तो आपका बच्चा है तो छोड़ क्यों देते हो ऐसे? है? पानी कहाँ निकल गया? हद हो गई बिल्कुल, बताओ। ये वहाँ रो रहा पीछे, मैं कम से कम 10 लोगों से पूछ चुका हूँ कि बच्चा किसका है, बच्चा किसका है। ये कम से कम देख तो लिया करो, बच्चा इस साइड में हो, इधर आओ, इधर आओ साइड में हो। अरे यहाँ पे इतना, इधर आओ साइड में हो, इधर आओ, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, मम्मी मिल गई ना, चुप हो जा, अरे चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। तू कहाँ चला गया था? चुप हो जा, 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 मम्मी मिले, चुप हो जा। अरे आंटी कम से कम ध्यान तो रखा करो, पता कितना बच्चे उठाने वाले, मैंने आपको इसलिए लग रहा, मेरे को लगा बच्चे उठाने वाली कोई हो। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा ना, दो से चीज, दो चीज, दो, चुप हो गया, चुप हो गया। मैं इसको लेने चली गई, तो पता नहीं ये कहाँ से निकल गया, इतनी देर में आई मैं, मेरे को झूले पे झूल रहा होगा, मुझे नहीं पता था ऐसे हो गया ये। कम से कम ध्यान रखा करो, देखो पता है आपके बच्चे उठाने वाले, तो आपको पता कितने लोग हैं, है ना, कितने लोग हैं जो बच्चे उठाते हैं, अभी गायब हो जाता बेचारा, कोई उठा ले जाता, भीख मंगवाते हैं आंटी छोटे छोटे बच्चों से। रो रो मत, रो मत, मिल गया ना, रो मत। एक घंटे से तो मैं ले घूम रहा हूँ, मैं दुनिया से पूछ चुका हूँ। एक लेडी ने बताया फिर कि इधर गई हुई है, मैं तो तब उधर आया हूँ मैं। मेरे को भी एक भैया बता रहे कि दो जने बच्चों को लेके घूम रहे, पता नहीं कि बच्चा को क्या। बाबू मेरा है, बाबू आपकी मम्मी है, मम्मी है ना। देखो मैं इसलिए यकीन नहीं कर, देखो कोई यकीन नहीं कर सकता, कल को पता कोई बात हो जाए।
है ना। तूने बताया नहीं मेरे को, यहीं पे मम्मा गई थी चीज लेने के लिए। वो तो रो रहा था, मैं तो कोने में खड़ा हुआ, रोए जा रहा रोए जा रहा है। अभी बोल के अब ना आसपास कोई वहाँ पे कपल हैं जो लगे हुए हैं, अब एक एक दो लड़कियां उनसे पूछा, जब उन्होंने बताया कि हमें नहीं पता, एक फिर आंटी थी कोई, तो उन्होंने बताया कि आपने उनसे पूछा होगा भैया और आंटी से, जब उन्होंने बताया इधर गई है तब मैं गया हूँ। बाबू सुनो, ऐसे बाहर मत घूमा करो ठीक है, अकेले अकेले मम्मी के साथ रहा करो, है ना ठीक है। आप हस्बैंड के साथ हो या अकेली आई हो? नहीं मैं ऐसे घुमाने के लिए लाई थी, अपने आसपास ही रहती हूँ। हाँ जी यही पास में रहती हूँ। ध्यान रखा, देखो पार्क ना ठीक नहीं है, यहाँ पे लोग अजीब तरीके के लोग आते हैं, आपको पता होगा। देखो जेब कतरे वगैरह और कपल्स वगैरह, अगर बच्चों का सबसे बड़ा ध्यान इसलिए रखना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक तो बोल नहीं पाते कुछ ठीक है, दूसरी चीज कोई भी उठा के ले जाए, पता लगा भीख मंगवा रहा है कुछ करवा रहा है, मिलते भी नहीं है ये लोग, बाहर कर देते हैं सब। मैं तो थाने ले जाने वाला था, उन्होंने कहा कि थाने की तरफ क्यों, थाने ले जाता है ना इसको, एक मिनट भी अकेला पता नहीं कैसे निकल गया, ये पांच मिनट में थे। बड़ा थाने ले जाता वहाँ पुलिस वाले, फिर वो मिलते, वो फिर कार्रवाई करते, बहुत सारे चोचले होते समझ रहे हो, बट बच्चा मिल गया, ये शुक्र है ऊपर वाले का, चलो बच्चा मिल गया आपका। मैं तो यहाँ शूट वूट करता हूँ, मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ यूट्यूब पे ना, वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, ये इसलिए मैं शूट करा, मेरे को मेरे लोग लगा कि कोई होता है, कुछ लोग पता क्या होते हैं, देखो मैं इस वीडियो इसलिए बना रहा था, कुछ लोग होते हैं कि बच्चा छोड़ दिया, अब मैं अगर मैं जाके उसे हेल्प करने गया तो पता वो इल्ज़ाम लगा देते हैं हमारे ऊपर ही कि बच्चा उठा रहा है, तो एक हमारे पास प्रूफ रहता है, हम इसलिए वीडियो बनाते हैं सारी चीज़ों को। मेरा चैनल है वैसे फंकी जो का नाम से, वीडियो अपलोड कर सकता हूँ उस पर, कोई प्रॉब्लम ना हो तो। क्या नाम है इसका बेटे का? बंकू नाम है। बंकू अब ठीक है, मम्मी मिल गई, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, इधर आओ, हेलो कर लो हैं, मम्मी मिल गई ना अब ठीक है, इतनी देर से रो रहा था बेचारा है, आ जाओ हैं, जाओ मम्मी के पास जाओ, ध्यान रखना ठीक है, तो ध्यान रखना और प्लीज आप अकेले मत छोड़ना ना, अगर आपको भी कोई बच्चा अगर कहीं फिरता हो मेरे तो उसकी मदद करना, पूछ लेना किसी किसका है, कि पता लगा आज आपके आपके साथ ऐसा हो रहा है, कुछ अनहोनी ना हुई, कल किसी और के साथ अनहोनी है, बहुत दिक्कत हो जाती है, समझ रही चीज़ों को, तो इस चीज़ का ध्यान रखो और ऐसे अकेले पार्क में मत छोड़ना आज के बाद कभी ठीक है, आप जा सकते हो ठीक है, शुक्रिया, बाय 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 बाय। तो दोस्तों अभी आपने वीडियो में देखा, ये वीडियो नॉर्मली मैंने शूट किया, अभी क्या हुआ, मैं पार्क में आया शूट करने के लिए, तो एक बच्चा रोता हुआ मिला, तो मुझे लगा कि बच्चा शायद मतलब खो गया है, तो मैंने वीडियो इसलिए बनाया ये, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग जैसे किसी की हेल्प करने जाते हैं तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, कुछ लोग होते हैं जो पैसा ऐंठने के लिए बच्चे वगैरह छोड़ देते हैं, तो जो कोई उनकी हेल्प करना चाहता है उसी पर इल्ज़ाम लगा देते, तो मैंने बच्चे को ले घूमा हुआ कि उसकी मम्मी मिल गई है बच्चे की, आप लोगों ने देख ही लिया, तो आप लोगों से प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल ये बहुत धांधले वाली चल रही है कि आप पार्क वगैरह में जाते हैं बच्चों को वहाँ से उठा लिया जाता है, भीख मंगवाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करी जाती हैं, तो आप लोग अपने बच्चों का ध्यान रखें। और हाँ आप लोग किसी पार्क में या सड़क पे या कहीं भी किसी बच्चे को अकेला घूमते हुए देख रहे हैं या रोते हुए देख रहे हैं तो एक बार पूछ लें, आसपास लोगों से पूछ लें कि ये बच्चा खोया है, अगर अगर वो बच्चा खो गया उसका माँ बाप नहीं मिले तो आप जा किसी भी थाने में जाके उस बच्चे को दे सकते हैं, बाकी जो पुलिस उसकी हेल्प करेगी वो हेल्प कर सकती है। बाकी नॉर्मल वीडियो थी, थैंक यू, और एक हेल्पिंग वीडियो बन गई है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक ये वीडियो पीछे पहुँचे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोगों के बच्चे नहीं मिल पाते हैं, तो आप लोग अपने बच्चों का ध्यान रखें, घर में सेफ रहें, और थैंक यू सो मच। और हाँ कमेंट में गाली मत देना कि प्रैंक करने जाता है ये सब करता है, क्योंकि देखो हमारा काम है लोगों को एंटरटेन करना, मैं मानता हूँ, बट अगर कहीं हेल्प की नहीं आती तो हम लोग लोगों की हेल्प भी करते हैं, तो इसलिए कुछ लोग जो गाली देते हैं कमेंट में वो गाली मत देना, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर।